बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ हिमांशु चौरसिया फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी, प्रॉब्लम ये ट्रिग्नोमेट्री की है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इफ़ टेन इनवर्स 1/2n² इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2n+1 माइनस 10 इनवर्स y, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y तो इस इक्वेशन को जो हमको इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना होगी इन टर्म्स ऑफ n। तो जो वैल्यू इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, और जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना है यानी y की वैल्यू को, उसको हम एक साइड कर देंगे और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड कर देंगे। और यहाँ पर देखने में y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो y को हम लेफ्ट में ले जाएंगे ताकि वो पॉजिटिव भी हो जाए, और फिर हमें उसकी y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और इस टर्म को जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर, और जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म जो हैं वो 10 के इनवर्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि दो 10 इनवर्स हों, बीच में माइनस का साइन हो, तो एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, 10 इनवर्स x - 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी, इसको याद होना चाहिए हमें। ये वैल्यू होती है 10 इनवर्स x - y / 1+x into y। तो इस आइडेंटिटी को याद कर लीजिए, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके देखिए, हमारा x इसकी जगह पर x समझें, और इसकी जगह पर y समझें, और इस x की जगह पर ये समझें, और y की जगह पर ये समझें, यानी 1/2n², और इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये दोनों 10 जो है वो एक 10 में 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस आइडेंटिटी को जो अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर ये आ जाएगा, y की जगह पर ये आ जाएगा, अपान में 1+ इन दोनों का इंटू हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में y इनवर्स 10 इनवर्स y चल रहा है, और फिर हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख रहे हैं, पेज पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम नोट करेंगे 10 इनवर्स y। और राइट हैंड साइड में हमने बताया था अभी आइडेंटिटी लगाने के बाद में 10 बस को एक बार लिखना है, और जो x की जगह पर है वो वैल्यू यहाँ पर नोट करना है 2n+1, और उसके बाद हमें दूसरी y की जगह जो वैल्यू बताई थी 1/2n², ये वैल्यू नोट करना है। फिर उसके बाद अपान में 1+ जैसे आइडेंटिटी में था, इन दोनों का इंटू करना है, जो ऊपर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, उन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना है। अब देखना है दोनों साइड 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स से 10 इनवर्स यहाँ पर हटा सकते हैं, और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसके बराबर लिखी हुई है। y की वैल्यू है 2n+1 - 1/2n² 1+2n+1 × 1/2n² और फिर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम एलसीएम लेना पड़ेगा, 2n+1 होल अपान इसको 1 कर लें, -1/2n², क्योंकि ये फ्रैक्शन में, इसको भी हमने फ्रैक्शन में बदला है, और यहाँ पर तो देखेंगे 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n+1 ही हो जाएगा, अपान में 2n² होल अपान 1 यहाँ पर भी कर लें डिनोमिनेटर में भी, और इन दोनों को फिर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे, यानी ऊपर तो माइनस करना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर एलसीएम 2n² यहाँ पर एलसीएम है, 2n² का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n+1 में तो इतना आ जाएगा, और फिर माइनस का साइन है, ये 2n² से 2n² कैंसिल हो गया, 1 ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1 का 1 में इंटू किया 1 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 और किसी का भी एलसीएम वही नंबर होता है, यानी 2n² का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो ये 2n² + 2n+1 का इंटू होगा, तो यही आ जाएगा। होल अपान देखने हैं, न्यूमरेटर में होल अपान में 2n² है, डिनोमिनेटर में होल अपान 2n² कैंसिल हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में बचा हुआ है, ये y की वैल्यू के इक्वल चल रहा है, न्यूमरेटर में जो बचा हुआ उसको लिख रहे हैं 2n² + 2n+1 - 1, और अपान में भी देख रहे हैं 2n² + 2n+1 ही बचा हुआ, 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा।
अब इस ब्रैकेट को ओपन करके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4n³ प्लस का 2n और माइनस का 1 अपान में 2n² प्लस का 2n प्लस का 1। अब देख रहे हैं ऊपर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो ये गलती हुई कि 1 में इंटू करेंगे 2n² का तो 2n² आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक के फैक्टर ट्राई कर सकते हैं कि हो जाएंगे तो हो सकता है ये कॉमन फैक्टर मिल जाए और कैंसिल हो जाए और फिर हमारा सिंपल आंसर। वैसे तो भाई का आंसर आ चुका है, लेकिन अब कॉमन फैक्टर अगर हैं दोनों में तो इसमें फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन इसके फैक्टर हो सकते हैं और एक फैक्टर अगर ये हुआ तो ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी ये, तो उसमें चार ऑप्शन थे तो उसमें से चारों में से ये नज़र नहीं आ रहा था ऑप्शन, इसलिए हमें इसे फैक्टर करना पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर में था इसका मतलब इसी से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको फैक्टर ना करके इस को इससे डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा मेथड रहेगा ऑब्जेक्टिव के केस में। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं कि 2n² प्लस 2n+1 से डिवाइड करेंगे जब 4n³ प्लस 2n² -1 को। तो देखना है कि जब फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल बनानी, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको हाईएस्ट पावर वाले के इक्वल बनाना होता है, तो ये 2 है और इसे 4 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और साथ में n² है या इधर n³ है, एक n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2n से टोटल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2n का यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो 4n³ बनेगा, 2n का जब इस वाले टर्म में इंटू का प्लस के तो प्लस का मिलेगा 4n² मिलेगा, और 2n का जब 1 में इंटू करेंगे तो प्लस का 2n मिलेगा। अब इसे माइनस करने पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे ये वाला फर्स्ट टर्म कैंसिल होता है हमेशा, और ये माइनस का हो चुका है 4n², 2n प्लस का है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 2n² और माइनस का ये अब हो चुका है 2n, और 1 ऊपर से लेके आएंगे तो वो भी माइनस का है। अब ये देखना है दोनों इक्वल है, बस माइनस साइन का डिफरेंस है, यानी माइनस 1 का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो माइनस 1 का इंटू किया तो 2n² माइनस का 2n और माइनस का 1, यानी हमें सिर्फ फर्स्ट वाला देखना है कि ये जो है वो इसके इक्वल कैसे बने। तो माइनस 1 का इंटू करेंगे तो इसके इक्वल ये फर्स्ट वाला बन गया, वो अलग बात है कि बाद में ये सारे ही इक्वल हो गए तो हमारे लिए आसानी हो गई, एक ही बार में आंसर आ गया। अब साइन चेंज कर दिए जाते हैं नीचे वाले जो भी होते हैं, और ये प्लस का ऊपर वाला माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर वाई की वैल्यू आ गई 2n-1। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।